नमस्कार, मैं दीपक निवास हुड्डा हरियाणा सरकार और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कुछ विनती करना चाहता हूँ। सर, मैंने अपनी पूरी लाइफ बहुत सारी प्रॉब्लम फेस की हैं, क्योंकि मेरे माता पिता दोनों काफ़ी पहले गुजर गए थे, लेकिन फिर भी मैंने दिन रात मेहनत करके अपने देश के लिए कबड्डी वर्ल्ड कप 2016 में गोल्ड मेडल, 2016 साउथ एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल, एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2017 में गोल्ड मेडल और अभी हाल ही में एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। सर, मैंने हर स्तर पर अपने देश का नाम रोशन करने की कोशिश की है और उसमें सफल भी रहा हूँ। सर, मुझे तो अब कबड्डी में अपनी पूरी ज़िंदगी दी है और अपने देश के लिए, और मुझे इस बात पर गर्व है। इतने बड़े लेवल पर खेलकर देश के लिए इतने सारे मेडल लाने के बाद भी जो मेरा हक था, जो मेरा सम्मान था, वो मुझे आज तक नहीं मिला है। मेरा कबड्डी वर्ल्ड कप 2016 गोल्ड मेडल, 2017 एशियन कबड्डी चैम्पियनशिप गोल्ड मेडल और एशियन गेम्स ब्रॉन्ज मेडल का कैश अवार्ड और जो जॉब थी, अब तक भी नहीं दी गई है। सर, आप हर बार नई नीति में बदलाव कर देते हैं, हर बार नई नीति के हिसाब से बोल देते हैं कि इस नीति में ये बदलाव होगा, इसलिए आपको कैश अवार्ड नहीं दिया जा रहा या नौकरी नहीं दी जा रही। सर, मैं तो सिर्फ कबड्डी जानता हूँ, ये नीतियाँ ये तो आप सब वरिष्ठ नेताओं का काम है। सर, पिछली सरकार ने भी तो खिलाड़ियों को जॉब दी है, कैश अवार्ड दिया है, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? सर, शायद ये नीति आप खिलाड़ियों के बेहतर भविष्य के लिए बना रहे हैं, लेकिन हम इनसे सिर्फ परेशान ही हो रहे हैं। हम आपके सपोर्ट के बिना न तो अपने देश का नाम रोशन कर पाएंगे, न खेल पाएंगे और न ही अपना सपना साकार कर पाएंगे। हमें इन पॉलिसीज के साथ नहीं लड़ना, हमें बस ग्राउंड में खेलना है। इतने बड़े लेवल पर खेलने के बाद सोचा गया था कि मैं भी दूसरे खिलाड़ी की तरह DSP बनूंगा, पर यह मांग मेरा हक है सर, मेरा सम्मान है, मेरी मेहनत का फल है जो मुझे आज तक नहीं मिला है। मुझे आशा है कि आप सभी मेरी मदद जरूर करेंगे और मेरे जैसे खिलाड़ियों का हौसला जरूर बढ़ाएंगे। जय हिंद।